नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन मैन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद कंगना रनौत पर कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्री नेता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद राजनीति गलियारों में उथल पुथल मच गई। इसके बाद कंगना रनौत ने मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पार्टी की ओर से उन्हें संदेश दिया गया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेत के सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना के लिए आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इस पर कंगना का कहना था कि वह इसका जवाब दे चुकी है। इस विषय पर कानूनी कार्यवाही या अन्य बातों को लेकर कंगना का कहना था कि पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद वह आगे की कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगी। उन्होंने कहा था कि वह पार्टी के साथ है और उन्हें पार्टी के निर्देशों के साथ चलना पड़ेगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री नेत के पोस्ट की आलोचना करते हुए कंगना रनौत कह चुकी हैं कि वह एक अभिनेत्री हैं और तमाम महिलाएं, चाहे उनका कोई भी पेशा हो, सभी महिलाएं सम्मान की पात्र हैं। किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। उन्होंने इस पर खुद दुख जताते हुए कहा कि मंडी को पूरे विश्व में छोटा काशी कहा जाता है, जहां ऋषियों ने तपस्या की है, और इसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी में मंडी के लोगों को और उन्हें भी बहुत दुख हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेत ने कंगना पर आपत्तिजनक पोस्ट पर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री नेत पर कोई आगे चलकर कार्रवाई होगी? क्या बीजेपी इस पर कड़ा एक्शन लेगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें।